अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदी। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बहुत ही दुख के साथ रमज़ान जैसे पवित्र महीने में मुमरा कौसा में सेक्सुअल हरासमेंट या फिर लैंगिक अत्याचार जिसे कहा जाता है कि जो घटनाएं लगातार आ रही है सामने, जो वारदातें सामने आ रही है, वो बेहद दिल दहलाने वाली और फिक्रमंद करने वाली है। आज हम आपको ऐसी एक खबर बता रहे हैं। ये मामला आज ही मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। कौसा के शिमला पार्क के पीछे जहां मदरसा वो स्कूल नादियुल फला है, इस नादियुल फला मदरसा वो स्कूल के पास एक मीनार रिजेंसी करके बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में एक्मे क्लासेस नाम से एक क्लासेस चलाई जाती है। एक्मे क्लासेस के इस शहबाज सर ने 11 साल के अपने इस बच्चे के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया, किस तरह से अप्राकृतिक यौनाचार किया, उसकी पूरी रुदात आप इस बच्चे की माँ की जुबानी सुनेंगे। इस माँ का ये जो बयान है, ये बताने के वक्त हमने माँ की पहचान गुप्त रहेगी, पूरी तरह से अबाधित रहेगी, इसके हमने पूरी तरह से खबरदारी बरती है और उसका विशेष ध्यान रखा है। क्या रुदान है आपकी, क्या शिकायत है, क्या तकलीफ हो रही है, वो आप बताइए। मेरा बच्चा 2-3 महीने से बीमार हो गया था, स्कूल ट्यूशन भी नहीं जाता था, नहीं जा पा रहा था, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसका पेट एकदम फूल गया था, टॉयलेट में बहुत ब्लड आता था उसको, तो वो हिसाब से ना मैं उसकी बहुत सारे डॉक्टर से दवा करी, बहुत से डॉक्टरों से मैंने दवा इलाज की उसका, बहुत थाना में, मुमरा में, यहाँ इवन गुजरात तक जाके भी मैं उसकी दवा करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। सब डॉक्टर यही बोलते थे वो डिप्रेशन में आ गए, कुछ डरा हुआ है, आप उसका डर जानने की कोशिश करो। उसके ब्लड रिपोर्ट में भी आ रहा था कि वो टेंशन में है, और टॉयलेट में भी उसके ब्लड आ रहा था, रिपोर्ट में भी आ रहा था, वो बोल रहा था, तो मुझे मतलब बिलीव नहीं हुआ, तो मैंने उसका स्टूल टेस्ट कराई, तो स्टूल टेस्ट में भी आ रहा था कि उसको बहुत ब्लड आ रहा है। क्या बोल रहा था वो जिस पर आप बिलीव नहीं कर रहे थे? कि टॉयलेट में मुझे इतना इतना ब्लड आ रहा है मम्मी, तो मुझे यकीन नहीं होगी इतना सारा ब्लड कैसे आएगा अचानक से, तो मैंने उसको स्टूल टेस्ट भी डॉक्टर को बोली तो उसने करवाए, तो उसमें बहुत सारा ब्लड आता था, रिपोर्ट में आया था इसको बहुत ब्लड आता है। फिर आगे क्या पता चला? बहुत से डॉक्टर बदली करने के बाद भी डॉक्टर बोलते हैं टेंशन में है, कुछ डरा हुआ है, आप जानने की कोशिश करो। मैं कितनी बार उसको पूछी कि बेटा तुम्हें कोई डराता है, कुछ डरे हुए हो, कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, क्या तकलीफ है, तो वो कभी बताता नहीं था, नहीं मम्मी बोल के छोड़ देता था। लेकिन कितनी बार कंप्लेंट ऐसा बोला, 2-4 बार कि अभी मेरे को क्लासेस से निकाल दो, कोई और ट्यूशन में डाल दो। तो मैंने बोली अभी अपन पूरी साल का पेमेंट कर दिए है बेटा, तो तू ये साल कंप्लीट कर ले तो नेक्स्ट ईयर नहीं भेजूंगी। तो अभी ये सब होने के बाद में भी एक दिन रात में पेशाब कर दिया था, ऐसे तो 10 साल में कभी नहीं किया रात में, अभी एक दिन पेशाब कर दिया, मैंने उसको उठा रही नींद में से, तो उठ रहा नहीं था, तो मैंने उसको कितनी कोशिश की कि बेटा उठ जा, तो वो नहीं उठ रहा, तो मैंने खुद ही उसके कपड़े चेंज करने की सोची कि अभी बहुत टाइम है, रात के 1 बज रहा है, पूरी रात ऐसे गीले कपड़ों में कैसे रहेगा। जब मैंने उसके कपड़े चेंज करने की कोशिश की तो वो जोर जोर से चिल्ला के बोला नहीं सर, नहीं सर, सर आज नहीं सर, प्लीज़ नहीं। तो मैं एकदम मतलब घबरा गई कि ऐसा कैसा बोल रहे, सर मार रहे होंगे, क्या किए होंगे। तो मैंने उसके मुंह पे पानी छिड़क के उसको मतलब उठा के बिठा दी कि क्या है बेटा, तो वो मतलब कुछ बोला नहीं और रोने लगा और बोलता कुछ भी नहीं, बस मेरा टेस्ट में रॉन्ग हो गया था तो मेरे को डर लग रही है। तो मैंने बोली कि इतना सारा तो कभी नहीं डरते, टेस्ट में रॉन्ग होता भी नहीं है, और चलो हो भी गया तो तुम इतना तो नहीं डरते हो। तो फिर भी वो बता नहीं रहा था, फिर मैंने इसको कपड़े बदली करने लगी ना तो उसके पैर पे एक छोटा सा कुछ निशान दिखा, तो मैंने इसको ज़बरदस्ती बहुत सवाल कर दिए एकदम, ये काय का निशान है, कैसे हो गया ये पैर पे तुम्हारे निशान, तो कुछ बता भी नहीं रहा था वो, मेरे टेस्ट में रॉन्ग हो गया तो सर ने मारे। तो मैं पूरी बुक्स उसकी लेके बैठ गई कि अब कौन सी बुक में रॉन्ग हो गया और किस वजह से सर ने मारे, ये मुझे अभी के अभी बताओ। तो बोलता कल बताऊंगा, सुबह बताऊंगा। मैं बोली नहीं, मैं तो सोऊंगी नहीं, मुझे अभी बताओ कि कौन सी बुक में रॉन्ग हो गया है और किस वजह से मारे, और मेरे को ये मारने का निशान भी नहीं लग रहा है। तो फिर उस वो ना मैं बुक जब चेक करने लगी तो मुझे इसमें ये बुक मिली जिसमें ये लेटर लिखा हुआ था इसके हाथ से, हाँ उसी के बैग में से ये बुक मिली और उसी की राइटिंग से ये लेटर लिखा हुआ है।
तो मैं इस लेटर को मतलब पढ़ के एकदम चौंक गई और मैं खुद भी बहुत रोने लगी कि ऐसा मतलब क्या लिखा है इसने ऐसा। तो इसको बोली कि ये सब क्या है, तो बोले ये सब मैंने सच्ची लिखा हूँ मम्मी, ऐसा मेरे साथ होता है। तुम तो कुछ पूछते थे ना, और डॉक्टर भी मेरे को जो पूछते थे कि बेटा कुछ टेंशन में है, कुछ चाहिए तो जिद कर रहा है तू, तो बोले मेरे को यही टेंशन था, ये सब मैंने ऐसा लिखा हूँ कि वो सर उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता था और दो चार लोगों को वहाँ पे बुलाता था और दो चार बच्चों को रोक लेता था। कौन सी क्लासेस में भेजते थे आप अपने बच्चे? एक्मी क्लासेस। कहाँ पर है ये एक्मी क्लासेस? ये मीनार रेजेंसी शिमला पार्क। कौन सर है वहाँ पर? शहबाज सर, जो कि बच्चे ने जिनके बारे में आपको बताया। हाँ, उसी के नाम का इसने लेटर लिखा है, उसका नाम भी ऊपर लिखा है इसने कि शहबाज सर दो चार लोगों को बुलाते थे और दो चार बच्चों को रोक लेते थे और सबके साथ में उन लोग ऐसी गलत गलत गंदी गंदी हरकतें करते थे, जिस वजह से बच्चा डिप्रेशन में आ गया था, उसका पेट फूल कर इतना बड़ा सा हो गया था। तो मेरे पास उसकी फोटोज़ भी है कि उसका पेट इतना बड़ा हो गया है। जो वो क्लासेस में जो बच्चों के साथ गलत करते थे, ये जो बताया आपके बेटे ने, तो उसमें कितने लोग वहाँ पर रहते थे, कुछ बताया उस बारे में? वो सर के साथ उनके अलावा? हाँ, उसने बताया, उसने धीरे धीरे ऐसा बताया कि पहले तो हर दिन दो दो तीन तीन नए नए लोग आते थे, और मेरा बेटा तो 3 महीना जो इसके साथ पहली बार हादसा हुआ था वो बीमार हो गया, तो उसके बाद से वो 3 महीना कंटिन्यू एब्सेंट था, लेकिन उस 3 महीने के दरमियान वो 12 दिन प्रेजेंट था। तो 12 दिन में उसने काफ़ी लोगों को उस क्लासेस में देखा, 8 से 10 लोगों को देखा होगा क्लासेस में। तो वो ये हमारे एरिया के ही लोग हैं, मैंने एक एक करके उसने मुझे खिड़की में से सबको दिखाया कि ये भी आता था ये भी आता था करके उसने दिखाया। तो मैं बहुत मतलब ये सब होने के बाद भी मैं बहुत बिल्डिंग में सोसाइटी में सबको बताई। उसी दिन मेरा थोड़ा सा उसके साथ फ़ोन पे झगड़ा भी हो गया, लफड़ा करी मैंने बहुत भी 10 अप्रैल को सुबह में। तो यहाँ पे आजू बाजू में सब जमा हो गए, नीचे भी बहुत लफड़ा हो गया और मैं फिर उसको लेके गांव चली गई। बहुत डरा हुआ था कि मम्मी आपने बोल दिया हो ना तो वो मुझे मार डालेगा। अभी उसने मना किया था, किसी को बोलना मत नहीं तो मैं मार डालूंगा। तो मैं बोली ऐसे कैसे मारेगा, तो बोलते वो गले में रस्सी बांधा था हमको, लटकाने की कोशिश किया था। उसमें से एक असलम नाम का आता है, उसके पास गन भी है, वो मुझे गन दिखाता था। दूसरे लोग रस्सी बांधते थे, मुँह पे हाथ रखते थे, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ मत करो, भूल जाओ, मैंने कुछ बताया वैसे भूल जाओ। बहुत डर डर के रोने लगा था, वो हिसाब से मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाई और मैं इसको लेके उसी दिन गांव निकल गई। तो मैं गांव से आने के बाद अभी मैं 25-26 दिन के बाद गांव से वापस आई हूँ ना, तब से आए दिन उन लोग मेरे को निकलने नहीं देते। रिक्शा में बैठती हूँ तो बाजू में आके इशारे से धमकी देते हैं मार डालने की, ऐसा गला काटने की, और वैसे भी नीचे भी उतरती हूँ तो नीचे से गला काटने की मार डालने की धमकी देते हैं। दरवाजे पर एक दिन धमकी देखे गए, मैंने सोसाइटी में कंप्लेन भी की कि मुझे CCTV की फुटेज दिखा वो लड़का कौन था करके। और भी जितनी बार भी ये लोग ने धमकी दी है मैं हमेशा बिल्डिंग में बताते गई, ताकि अगर कभी कुछ रात में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो वो लोग मुझे एटलीस्ट मेरा फ़ोन तो उठा ले इसके लिए। उसके बाद आगे क्या हुआ? अभी रोज़ धमकी दे रहे, डेली कंटिन्यू। अभी मैं 2 दिन पहले बाज़ार में गई, तो मैं बाज़ार से वापस आई मेरे घर के पास, तो एक गाड़ी थी MS02-0896 वो नंबर की एक गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी थी, जिसमें हमारी बीविंग का एक लड़का स्टेयरिंग पकड़ के गाड़ी स्टार्ट करके बैठा हुआ था, और उसके बाजू में एक लड़का था जिसको मैं नहीं जानती थी, और गाड़ी के आसपास में और 2-3 लड़के खड़े थे। तो मेरे बच्चे को इशारा करके बोल रहे थे कि तू नीचे खड़े रहे और तेरी मम्मी को ऊपर भेज दे। अब इतना मार डालने की धमकी देने के बाद मैं बच्चे को नीचे छोड़ के कैसे ऊपर जाऊं? तो मैंने मना की, तो मैं बच्चा बोलता है कि नहीं उन लोग बोल रहे ना तो उन लोग फिर मारेंगे मेरे को रुकना पड़ेगा, नहीं तो उन लोग मारेंगे। मैं बोले ऐसा कैसे रुकना पड़ेगा? तो मैंने जाके उसको बोली, बोली क्या लगा के रखे हो, जब हम चुप ही बैठे हैं, एक माँ होकर मैं इतना सब बर्दाश्त करके चुप बैठी हूँ, फिर भी आप क्यों इतना परेशान कर रहे हो? जब एक्शन नहीं लिए तो आप क्यों मेरे बच्चे को मार डालने की धमकी देते हो और चुप रहने की धमकी देते हो? ऑलरेडी चुप है तो समझ में नहीं आता है। तो दूसरा जो स्टेयरिंग चला रहा था ना बीविंग का लड़का, वो उसने दूसरे बाजू वाले लड़के को बोला मार उसको, तो वो उतर के इतना मारने लगा मेरे को, दुपट्टा वगैरह छीन लिया, एकदम मारने लगा। हमारी सोसाइटी के लोग भी नीचे मौजूद थे, देखे उसको, बोले भी एक औरत पे हाथ मत उठाइए मत कर,
अब वो गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था तो मैंने अपने दोनों बच्चों का हाथ टाइट पकड़ी थी, क्योंकि कहीं मार डालने की धमकी दे रहे, कहीं लेकर जाते, उठा के लेकर जाते। इस डर से मैंने उसको कुछ भी नहीं बोली, मैंने वहीं पर ठंडी हो गई मैं, और सबको बताया एरिया में, मेरे सामने वाले लोगों ने भी देखे, वो जेंट्स सामने रहते ना उन्होंने भी देखे, नीचे सोसाइटी के लोग भी थे, बी विंग के भी कुछ लोग मौजूद थे, सब ने देखे कि इतना मारा, फिर भी मैं खामोश रही। अभी इसमें अगर आपकी शिकायत पुलिस दर्ज कर लेती है जी, तो आप क्या चाहोगी पुलिस से, और पुलिस आगे किस तरीके की कार्रवाई करेगी, आप क्या चाहोगी इस बारे में? पहले तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब एक 11 साल के बच्चे के साथ इतनी गंदी हरकत अगर कर सकता है तो वो और बच्चों के साथ भी कर सकता है। आज हमने एडमिशन अगर निकाल देंगे हम चुप बैठ के, तो वो और बच्चों के साथ भी करेगा, तो उसकी क्लासेस भी बंद होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी पढ़ाई का कैंसिल होना चाहिए, वो यहाँ नहीं तो वो कहीं भी पढ़ाना नहीं चाहिए फिर। ठीक है, आप पुलिस में शिकायत दर्ज करने तैयार है ना? आपको दर्ज जी, अब तो बहुत हद हो गई है, अब तो करना ही पड़ेगा। बच्चे के साथ जो कि अपने क्लास में पढ़ने के लिए आता था, उस बच्चे को तालीम देने का, इल्म देने का, शिक्षा देने का काम एक शिक्षक के नाते, एक टीचर के नाते शहबाज सर का था, लेकिन बच्चा और उसकी माँ द्वारा लगाए गए आरोपों के तहत पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो एक भयानक कहानी को सामने ला रहा है। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले की परतें पुलिस की तफ्तीश में खुली नहीं है, इसलिए पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है, कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है। बच्चे की माँ की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जो है शहबाज सर को गिरफ्तार कर लिया है, शहबाज सर से पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। इस बच्चे के बयान और उसकी माँ के बयान के हिसाब से शहबाज सर खुद तो इस बच्चे के साथ दुराचार करते थे, लेकिन साथ में और दो बच्चों को भी शिकार बनाया जाता था, और इसमें शहबाज सर अपने साथ अन्य असलम पटेल और फैजान पटेल नामक दो और शिक्षकों को भी जो है वहाँ पर बुलाते थे, और ये दोनों शिक्षक भी जो है इन बच्चों के साथ में यौनाचार करते थे। ये तीनों शिक्षक जो है इस माँ और बच्चे के आरोप के हिसाब से इन तीनों बच्चों के साथ बारी बारी बदल बदल करके जो है अप्राकृतिक सेक्स या यौनाचार किया करते थे। अभी फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया, बच्चे से उनकी निशानदेही कराई गई, और उसमें अब तक जो है सिर्फ शहबाज सर की ही निशानदेही हो पाई है, बाकी अन्य कुछ लोगों को निशानदेही में निर्दोष पाए जाने के कारण पुलिस ने रिहा भी कर दिया है। अभी मामला जांच में है, पुलिस इसकी पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है, आते दो चार दिनों में इस मामले पर जो भी पर्दे पड़े हैं वो पूरी तरह से खुल करके सामने आ जाएंगे, और उसके बाद जो है शहबाज सर के अलावा इस अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में और भी कितने लोग शामिल हैं वो खुल करके सामने आ जाएगा। सबसे पहले 14 मई को शील डाइगर पुलिस स्टेशन में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद 19 मई को उसी शील डाइगर पुलिस स्टेशन में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा जबरन बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ। उसी दिन मुमरा पुलिस स्टेशन में भी एक 12 वर्षीय लड़की के विनय भंग, शील भंग करने का मामला दर्ज हुआ। और उसके बाद अब ये एक और मामला 11 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का मुमरा कौसा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। ऐसे और भी कुछ मामले अभी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो रहे हैं और हो चुके हैं, जिनकी हम पूरी खबर जल्द ही आपको बताएंगे। इसमें फिक्र करने वाली बात यह है कि इतने मुबारक, इतने पवित्र महीने में दूसरी तरफ हिंदू धर्म का जो अधिक मास कहा जाता है, जिसे काफ़ी पवित्र माना जाता है, दोनों धर्मों का एक जैसा पवित्र और मुबारक महीना चल रहा है, और उसी दौरान जो है ये बच्चों के साथ में सेक्सुअल अटेम्प्ट करने की और उनके साथ लैंगिक यौनाचार करने की खबरें और हादसे लगातार होते जा रहे हैं। ये सिलसिलेवार जो हादसे आ रहे हैं वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, वो हमारी अपनी अंतरात्मा को झिझोड़ने वाले हैं, वो हमें सचेत करने वाले हैं,
बच्चों के प्रति हम सुरक्षा को लेकर के कितने लापरवाह हैं, बच्चों को लेकर के हम कितने उदासीन हैं, कितने बेपरवाह हैं, ये सब ये घटनाएं दर्शाती है। इसलिए हम तमाम मुमरा कौसा और उसके एतराब के फैलते जा रहे आबादी वाले इलाकों के लोगों को आगाह करना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। हमारे बच्चे पड़ोस में, स्कूल में, क्लासेस में किस तरह की सोबत में रह रहे हैं, वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये रोज़ाना हम इसकी जांच पड़ताल करें, जानकारी लें। इसी खबर के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे अपनी अगली खबर के साथ।